आज मैं आपके लिए आलू और बेसन से बना एक नया और बहुत ही अलग किस्म का नाश्ता लेकर आया हूँ, जिसको बनाना एकदम ही सिंपल है। तो यहाँ पर जो नाश्ता है, इसको बनाने के लिए आपको पहले यहाँ पर एक बाउल में 1 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर डालना है। अब हमें यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसका हम बैटर यानी कि घोल रेडी करेंगे। और ये जो बैटर है, इसकी कंसिस्टेंसी को हमें एकदम ही पतला रखना है। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें कि आप इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत करिएगा, वरना इसमें लम्स यानी कि गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसका एकदम ही पतला बैटर रेडी कीजिए। चलिए, यहाँ पर मैंने इस बैटर को रेडी कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये इतना पतला होना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे और अब यहाँ पर एक कढ़ाई में आपको डालना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। फिर तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच क्यूमिन सीड यानी कि जीरा। इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स। और अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। फिर हमें यहाँ पर इसमें डालनी है 2 से 3 बारीक कट की ग्रीन चिलीज यानी कि हरे मिर्च। आप यहाँ पर हरे मिर्च की मात्रा अपने पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। और अब इस हरे मिर्च को हम कुछ सेकंड्स के लिए सौते करेंगे। अब यहाँ पर आप गैस को स्लो कर लीजिए और अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो पहले इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर। और अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ आधा बड़ी चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला डालने से इस नाश्ते का जो फ्लेवर है ना, वो काफी अच्छा आता है। तो हो सके तो आप भी यहाँ पर पाव भाजी मसाला जरूर डालिएगा। अब इन मसालों को हम कुछ सेकेंड्स के लिए पकाएंगे और फिर जब मसाले अच्छे से पक जाए, तब हम यहाँ पर जो बैटर हमने बनाया हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर इस पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को आप मीडियम पर कर लीजिए और इस बेसन के बैटर को आपको तब तक पकाना है जब तक ये एकदम ही गाढ़ा नहीं हो जाता। मुश्किल से 4 या 5 मिनट में जो बेसन का बैटर है, ये एकदम ही गाढ़ा हो जाएगा। तो आप इसको लगातार चलाते भी रहिएगा ताकि ये कहीं पर चिपक कर जल ना जाए। और ये जो कढ़ाई के किनारों पर भी जो बैटर लगा हुआ है, उसको भी बीच बीच में निकालते रहिएगा। इसमें गुठलियां ना पड़ जाए, इस वजह से आप इसको लगातार चलाते रहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी जो बेसन का बैटर है, ये एकदम ही गाढ़ा हो चुका है और हमें बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए 2 उबले हुए आलू और इन आलूओं को हम यहाँ पर इसमें ग्रेट करके ऐड करेंगे। आलू को हम यहाँ पर ग्रेट करके इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आलू के कोई भी बड़े बड़े टुकड़े इसमें ना रह जाए। और इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। अब बस हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो नाश्ता बनाने का स्टफिंग है, ये बनकर रेडी हो चुका है। तब आपको यहाँ पर एक प्लेट लेनी है या फिर एक ऐसी आप बर्फी की ट्रे भी ले सकते हो और इसको हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये जो नाश्ता है, ये इसमें चिपक ना जाए। और अब हम हमारे स्टफिंग को इस ट्रे में ट्रांसफर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इसको हर तरफ इवनली स्प्रेड कर लेना है। अब आपको यहाँ पर इसको फ्रीजर में रखना है लगभग 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर 15 मिनट के बाद भी आपका ये जो नाश्ता है, ये अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको फ्रीजर में थोड़ी देर और रहने दीजिए। यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट हो चुकी है और जो नाश्ता है, ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ पर ऐसे स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। चले, यहाँ पर जो नाश्ता है ये रेडी है। तो अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यहाँ पर एकदम ही कम तेल में बना रहा हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में लगभग 2 बड़ी चम्मच जितना तेल लिया हुआ है और इस तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब यहाँ पर इस नाश्ते को हमें स्लो या मीडियम फ्लेम पर तब तक सेकना है जब तक इसकी दोनों साइड्स ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। और मुश्किल से 5 मिनट में ये जो नाश्ता है, ये अच्छी तरीके से सिक जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो नाश्ता है, ये अच्छी तरीके से सिक चुका है, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको आप हरी चटनी के साथ या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हो।